नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे फीमेल्स की दिक्कतों में काम आने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन प्लैटिनम के बारे में, साथ ही जानेंगे कि प्लैटिनम और किन किन बीमारियों में दी जाती है। दोस्तों, प्लैटिनम हेडेक, हेमरेजिस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, फीमेल प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल प्रॉब्लम्स की। ओवराइटिस में प्लैटिनम बढ़िया काम करती है। यदि पेट में दर्द रहे और मेंसेस में दिक्कत हो तब प्लैटिनम दी जा सकती है। यदि पेट में दर्द नीचे की तरफ है, मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगड़ा हुआ है, ल्यूकोरिया की शिकायत साथ हो तब प्लैटिनम अच्छा काम कर सकती है। ओवराइटिस की वजह से पेशाब में जलन और दर्द रह सकता है, फीमेल जेनिटल्स की सेंसिटिवनेस बढ़ सकती है, ऐसे में प्लैटिनम दी जा सकती है। प्लैटिनम की पेशेंट्स के जेनिटल एरियाज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने कि मेंसेस के दौरान सैनिटरी नैपकिन से भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोएशन के समय भी दिक्कत होती है। मेटोरेजिया यानी इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग के लिए भी प्लैटिनम दी जा सकती है। मेटोरेजिया का कारण यदि फाइब्रॉइड है तब भी प्लैटिनम का उपयोग हो सकता है। प्लैटिनम फाइब्रॉइड को ठीक करने के काम आती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो का गाढ़ा डार्क होना प्लैटिनम का लक्षण है। प्लैटिनम के पेशेंट का मेंस्ट्रुअल फ्लो क्लॉट्स के साथ होता है और ऑफेंसिव भी होता है। मेंसेस बहुत जल्दी और ज़्यादा आते हैं पर ड्यूरेशन कम हो सकता है। कई बार मेंसेस 14 से 15 दिन में भी आ जाते हैं। डिसमेनोरिया के पेशेंट को प्लैटिनम दी जा सकती है। पेशेंट को यदि प्रेसिंग हेडेक हो तब प्लैटिनम का इस्तेमाल किया जा सकता है। हेडेक का वायलेंट होना और हेडेक इतना हो कि गुस्सा ज़्यादा आए तब प्लैटिनम का सेवन किया जा सकता है। कान के आसपास, सर के ऊपर की साइड और माथे पर यदि दर्द है तो प्लैटिनम से रोका जा सकता है। हेडेक के लिए होम्योपैथी में और बहुत सी दवाइयां हैं, इसलिए दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। जिन लोगों को फेस स्कैल्प पर नंबनेस हो उनको प्लैटिनम दी जा सकती है। एब्डोमेन में पेन होना, कंस्ट्रिक्शन या जगड़न महसूस होना प्लैटिनम का लक्षण है। फ्लेचुलेंस ज़्यादा होना और पेट की दिक्कतों के बाद भी भूख ज़्यादा लगे तो प्लैटिनम का इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन में प्लैटिनम बहुत असरदायक है। यदि कॉन्स्टिपेशन के दौरान बार बार स्टूल के लिए जाना पड़े और स्टूल ना आए या आने पर जलन हो तो प्लैटिनम दी जा सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए प्लैटिनम काम आती है, या जो लोग ट्रैवलर्स हैं अगर उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है तो उन्हें प्लैटिनम दी जा सकती है। ड्राई कफ डिस्पनिया के लिए भी प्लैटिनम दी जाती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से यदि डिस्पनिया हो तब प्लैटिनम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप खारी होम्योपैथिक क्लिनिक सहारनपुर से दवाई मंगवा सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या क्लिनिक पर आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं।